इधर नहीं चलना शॉर्टकट में? नहीं, इधर तो सीधा नीचे चले जाएंगे भाई। यहाँ से आपका 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है फॉर चंद्रशिला ट्रैक। चंद्रशिला का जो दोस्तों एल्टीट्यूड है वो ऑलमोस्ट 12,000 है। कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई? मजा आया। यहाँ से फिर हम अपने ट्रैक के स्टार्टिंग करते हैं चंद्रशिला के लिए। फाइनली गाइस, तकरीबन तुंगनाथ जी से 1 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम आ चुके हैं ऑन द टॉप ऑफ चंद्रशिला। लाइफ की पहली ट्रैक होगी वो भी चंद्रशिला की, मैंने सोचा भी नहीं था यार। मानो या ना मानो, मेरे लिए तो एक ये प्राउड मोमेंट की तरह होता है। साकेत बोल भाई, कैसा लग रहा है? एकदम हेवन है ना, इसको बोलते हैं स्वर्ग। चंद्रशिला जानी जाती है हिमालय की चोटियों के लिए, जिन्हें खुले मौसम में बिल्कुल साफ यहाँ से देखा जा सकता है, जैसे कि नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूंच, केदार पीक और चौखंबा पीक। एक कहानी पुराणों से जुड़ी हुई है। भगवान राम और रावण दोनों ही बड़े भक्त थे शिव जी के, और कहते हैं कि रावण का वध करके और लंका को जीतने के बाद भगवान राम यहाँ पर पश्चाताप के लिए आए और उन्होंने शिव जी की तपस्या की। तो फाइनली गाइस, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से फाइनली हमने चंद्रशिला ट्रैक सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, और अब नीचे चलने का समय आ चुका है भाई। जितना टफ होता है ऊपर चढ़ना, उसके साथ थोड़ा ज़्यादा टफ होता है नीचे उतरना। और नीचे उतरते वक्त मेरी मुलाकात होती है। आपका नाम क्या है? तरुण सर। तरुण, आप यहीं रहते हैं? जी। क्या बोलते, कब तक हो जाएगा स्नोफॉल इधर? देखो, जब मौसम पैक हो जाएगा सीधे बर्फबारी हो जाएगी। और ऐसा लोग कहते हैं जब बारिश होती है तभी स्नोफॉल होता है, ऐसा भी कुछ है? जी सर, जब बारिश होगा तभी बर्फ गिरेगा। अच्छा, और बारिश मतलब इस एरिया में होगा कि नीचे वाले एरिया में? इस एरिया में पहले बारिश होगा सर। अच्छा, उसके बाद बर्फ गिरती है? तो भाई ऐसे सीन है इधर के, अभी बर्फ नहीं है। जितनी आसानी से हम टॉप से अभी नीचे आ रहे हैं, हम आ नहीं पाते। क्यों भाई? जी नहीं आ पाते, चढ़ भी नहीं पाते। हाँ भाई, चढ़ ही नहीं पाते क्योंकि इतना स्नो होता, पैर सट्टे सट्टे स्लिप होता। जी। तो फिर बहुत बहुत तैयारी के साथ आना पड़ता। वो शूज में जो लोग लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो आपका लोहे का होता है जो स्लिप नहीं करने देता पैर, और रस्सी लगानी पड़ती है चढ़ने के लिए। हाँ भाई, हम रास्ता बनाते हैं, वो तो प्रोफेशनल का काम है भाई। डायलॉग जरा आप रिपीट करिए जो अभी आप सुना रहे थे। केदार का मौसम, बम्बई का क्या था? बम्बई का फैशन, केदारनाथ का मौसम, कब बदल जाए पता नहीं। 2 hours later। तो फाइनली गाइज, हमने कर लिया यार चंद्रशिला, टुंगनाथ, यार सब कुछ फाइनली हो गया, और अब हम जा रहे हैं अपने रूम पे। उससे पहले जाएंगे खाना वाना खाने के लिए। भाई ये मॉर्निंग का नजारा है, तकरीबन 9 बज रहे हैं, और लोकेशन सच में ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। इस खूबसूरत जगह पर जब आओगे तो कुछ चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ेंगे। चैलेंजेस वो ये हैं कि यहाँ पर एटीएम बिल्कुल नहीं है, एक भी एटीएम नहीं है। मैक्स टू मैक्स कैश कैरी करिए, और जियो का अगर सिम है तो वो थोड़ा बहुत काम करेगा। आप रूम में ऐसा चले जाओगे तो जियो भी बंद हो जाएगा, और एयरटेल अगर आपका है भाई तो एयरटेल तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो इन चीज़ों का खासा ध्यान रखें। बाकी अभी स्नो वगैरह तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है, 29 दिसंबर है। लोग तो कह रहे हैं आज होगी, कल होगी, परसों होगी, बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो भाई आओ, अपना सर्च वर्च करके आओ। बाकी जो मेरी तरफ से अपडेट था वो मैंने आप लोगों को दे दिया है। ये पानी देख रहे हो आप, ये देखो, ये पूरा बर्फ बना हुआ है, और आई थिंक ये भी बर्फ ही है, ये देखो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ब्लॉग पसंद आए होंगे। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें सबसे पहले नोटिफिकेशन को पाकी वीडियो को देखने के लिए। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर अपने ब्लॉग को एंड करता हूँ। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट और एक अमेजिंग से ब्लॉग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। दिस इज़ ऋषभ नंबर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।